जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है बिरुदीन आर्मी फिजिकल अकेडमी में। साथियों, मैं पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते हैं, सर कहीं भी खेलकूद प्रतियोगिता हो तो हम लोग को जो है कि इन्फॉर्मेशन दे देना। देखिए, आपका प्रदेश स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता होने वाला है, अभी उसका डेट नहीं पड़ा है, लेकिन आपके चंदौली ज़िले के जितने भी खिलाड़ी हैं इस पर ध्यान दें, आपके ज़िले का एसोसिएशन नहीं बना है, तो यह जो है कि आपका जब भी ट्रायल होता है बनारस से ट्रायल होता है, उसके बाद वहीं से आपकी इंट्री होती है। तो देखिए, आपका ट्रायल नहीं होगा इस बार जो है कि इस खेल के आधार पर लिया जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास लिस्ट आया है वाराणसी एथलेटिक्स एसोसिएशन, वाराणसी ज़िला एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। जिला वाराणसी ज़िला एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम सिगरा में किया जाएगा। इस चैम्पियनशिप में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। और इसमें देखिए, वाराणसी एथलेटिक्स के सचिव श्री रमेश यादव ने बताया है कि इस चैम्पियनशिप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर जिला टीम का चयन किया जाएगा, जो प्रदेश स्तरीय टीम में प्रतिभाग करेंगे, प्रदेश स्तरीय के लिए उनका चयन किया जाएगा। तो ये जो चैम्पियनशिप 13 और 14 नवंबर को हो रहा है, इसमें जिसकी अच्छी टाइमिंग होगी, कोई जरूरी नहीं कि आपका जो है कि फर्स्ट का ही एंट्री होगा, इसमें जो भी खिलाड़ी अच्छा टाइमिंग देगा उसका जो है कि प्रदेश स्तर के लिए चयन किया जाएगा। यह 2 दिवसीय खेल को प्रतियोगिताएँ होगी। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अंडर 14 का 2008 के अंदर का जन्मतिथि होना चाहिए, और साथ ही अंडर 16 के लिए जैसे 1 फरवरी 2006 से 31 जनवरी 2008 के बीच होनी चाहिए। अंडर 18, जैसे कि आपका अंडर 18 में 1 फरवरी 2004 से 31 जनवरी 2006 के बीच आपका उम्र होना चाहिए। और साथ ही अंडर 20 में जैसे कि 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2004 के बीच होनी चाहिए। चैंपियनशिप के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा तरह से नियम का पालन किया जाएगा। और साथियों, इसमें आपको क्या कौन कौन से कागजात लेकर जाने हैं, जो कागजात ले जाएगा उसी का वहां पर एंट्री की जाएगी, जैसे आपका आधार कार्ड, इसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र होना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आपकी एंट्री की जाएगी। तो साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।